हेलो फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम फ्रेंड्स। जो आज हम वीडियो बना रहे हैं ये फूकेन की FC-562D-01CB मॉडल के ऊपर बना रहे हैं। इसकी अनबॉक्सिंग और इसको इसके पैनल का यूज़ को लेकर के हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो अलग से वीडियो देख लें। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 5 धागे की फ्लैट लॉक मशीन में किस तरह के स्टिच पैटर्न निकलते हैं। इसमें जैसे अलग अलग धागे का आप इस्तेमाल करेंगे उसके स्टिच पैटर्न में बदलाव हो जाएगा। जैसे एक आइडिया मैं आपको पहले दे दूं कि अगर आप जैसे 5 धागे की इस्तेमाल करते हैं तो ये स्टिच पैटर्न आता है, 4 धागे पर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये ऊपर के 3 आपको सुई के धागे दिखेंगे और नीचे से ये लूपर के धागे दिखेंगे। फिर आप इसके बाद 4 के बाद 3 धागे का इस्तेमाल करेंगे अगर आप, तो आपको इस टाइप के पैटर्न मिल जाएंगे। इसमें दिखाता हूँ मैं, ये 3 धागे वाला ये है आपका, ये ऊपर, ये नीचे लूपर का हो जाएगा और ये ऊपर के ये 2 धागे आ जाएंगे निडिल के। इसी में आप चाहें तो बीच का निडिल का हटा करके यहाँ साइड की निडिल रख लें तो ये थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, तो ऊपर 2 निडिल के हो जाएंगे, नीचे लूपर के हो जाएंगे। और फिर 2 धागे पे चलाएंगे तो सिंगल एक ये ऐसे ऊपर का स्टिच पैटर्न आएगा और एक नीचे से लूपर का पैटर्न आएगा। तो इसके स्टिच पैटर्न से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि 5 धागे जो इसमें चलते हैं वो कहाँ कहाँ चलते हैं। शुरुआत पहले आप ये समझिए, रुकिए, 3 धागे जो इसमें जाते हैं आप ऊपर से देखेंगे 1, 2, 3, ये 3 में जो धागे गुजरते हैं ये 3ों धागे निडिल में जाते हैं। चूँकि आप देख रहे हैं इसमें 3 निडिल लगी होती है, ऊपर इसमें 3 निडिल होती है, तो ये जो धागे ऊपर से 3 जाएंगे ये ऊपर से निडिल में चले जाएंगे और यहाँ 2 जो धागे जाते हैं ये लूपर में जाते हैं। तो 1 धागा जो आप गौर से देखेंगे यहाँ पर ये टसर कलर का जो देख रहे हैं यहाँ नीचे वाले में, ये नीचे से गुजर करके नीचे के लूपर में जाएगा। यहाँ पे आप टसर वाला धागा देख रहे हैं ये नीचे के लूपर में पहुँचेगा और यहाँ वाला जो धागा आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये धागा यहाँ से गुजरते हुए ऊपर के लूपर में आएगा, यहाँ लूपर में आएगा। तो 2 लूपर के धागे इसमें चलते हैं और 3 ऊपर निडल में धागे जाएंगे। तो हम एक एक करके आपको दिखाते हैं कि पहले 5 धागे का अगर आप पूरा इस्तेमाल करेंगे तो स्टिच पैटर्न कैसा निकलेगा। चलाए, इसको अंदर कर लीजिए, वो गार्ड है उसको सामने हमेशा लगा के ही चलाएं ताकि कहीं से भी हाथ में आपके चोट ना लग जाए किसी तरह से। धागा निकले डाल दीजिए, तो हम लोग अभी 5 थ्रेड पे आपको दिखाएंगे। 5 थ्रेड पे जो धागे आपके निकलेंगे वो सेम इसी तरह धागे 5 थ्रेड पे निकलेंगे आपके। ये एक नीचे लूपर के धागे आएंगे आपके, जो नीचे लच्छी बना रहा है टसर कलर का धागा यहाँ से जो गुज़र के आएगा ये नीचे से, तो यही आपका ऐसे नीचे लच्छी बनाएगा। और ऊपर से आप देखेंगे तो ये हरे रंग का जो आप धागा देख रहे हैं ये ऊपर का हरे रंग का धागा ऊपर का लूपर का धागा बनाएगा। बाकी ये पहला और दूसरा और ये तीसरा, ये 3 धागे जो हैं ये निडिल के गुजरेंगे आपके। तो ये 5 थ्रेड के धागे इसी तरह आपके निकल के आएंगे। ये अपनी सर्वो मोटर वाली मशीन है, ये फुकेन की FC-562D। इसमें जिसमें भी आपका डी लगा रहेगा ये डायरेक्ट ड्राइव होती है, इसमें ये मोटर होता है, इसी में डायरेक्ट ड्राइव मोटर। तो इसकी खासियत ये है कि ये बहुत कम बिजली लेता है और इन्वर्टर पे भी आराम से, इस वक्त हम लोग इन्वर्टर पे ही चला रहे हैं, लाइट नहीं हम लोग के यहाँ, तो इन्वर्टर पे भी आराम से चलता है और बिजली भी बहुत कम लेती है। जितनी स्पीड में आप चलाएंगे इतनी स्पीड पर बिजली लेगा। एक ऐसे सर्वो मोटर और
क्लच मोटर का हम वीडियो अलग से बनाए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सर्वो मोटर और क्लच मोटर में क्या क्या फ़र्क होता है। ये हम लोग आपको खाली जानकारी देने के लिए इस तरह से धागे हम लोग लगा करके चला रहे हैं, जिस वजह से धागे बीच में टूट भी जाते हैं। इसको आपको मशीन चलाना है तो आपको थ्रेड स्टैंड पे ही लगा के मशीन चलाना है, क्योंकि ये सब स्पीड में चलती है मशीनें, तो जब स्टैंड पे लग के चलेंगे धागे तो धागे टूटेंगे नहीं कहीं से भी। जी कट कर दीजिए धागा, वहाँ का आके कट कर दीजिए। ले आइए, लग दीजिए सिर पे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जैसा हम आपको दिखाए हैं, ये जो हरे रंग का आप जो देख रहे हैं ऊपर, ये चैन बन रहा है। ये आपका हरे वाला यहाँ का, ये ऊपर का लूपर जो है ये चैन बना रहा है। बाकी ये रेड कलर, ये रानी कलर और ब्लैक कलर, ये नीडल में आपके धागा जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ से, जी हाँ, ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये रेड है, ब्लैक है और रानी कलर, ये तीनों नीडल में जा रहा है। और एक जो आपका नीचे जो नीचे लूपर से जा रहा है, वही आप पैटर्न को जब आप इसे पलटेंगे तो आप नीचे से देखेंगे तो ये टसर कलर का धागा नीचे आपका ऐसे ऐसे पूरा चैन बना रहा है। तो नीचे धागा हमेशा जाएगा, क्योंकि नीचे से ही चैन स्टिच मशीन बन रही है, ये आपका चैन स्टिच कर रहा है। तो नीचे हमेशा लूपर में पड़ेगा धागा, ऊपर से धागे आप कम कर सकते हैं। तो पहले हम लोग हरे वाले धागे को, ये जो धागा ऊपर का आपके लूपर में जा रहा है, पहले इसको हम लोग कट कर देते हैं। चलिए कट कर दीजिए इसको। अब आप अगर जब लूपर का धागे को कट करेंगे तो अब आप देखिए कि स्टिच पैटर्न में क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब इस वक्त आपकी ये मशीन फोर्थ थ्रेड पे चल रही है, तीन निडिल में धागे जा रहे हैं और एक नीचे लूपर में धागे जाएंगे। ठीक है, एकदम इसी तरह बगल में लाइए सब धागों, एकदम सटा करके पूरा निकाल के कट कर दीजिए। अब ये देखिए आपका नीचे तो लूपर में, चूंकि धागा जा रहा है तो नीचे लूपर में पड़ेगा, और ऊपर से आपकी स्टिच पैटर्न में ये बदलाव हो जाएगा कि धागे आपके एक रेड वाले आपको दिखेंगे, एक ये रानी वाले धागे दिखेंगे और एक ये ब्लैक वाले धागे दिखेंगे। ऊपर जो लच्छी बन रही थी, ऊपर जो चैन बन रही थी, अब वो ऊपर चैन नहीं बनेगी। तो चार धागे में यही फ़र्क आएगा, आप ऊपर का कट कर दीजिए। अब इसके बाद जो हम लोग हैं, तीन धागे पे आपको मशीन चला के दिखाएंगे कि तीन धागे में स्टिच पैटर्न में क्या होगा। तो एक जो हम लोग निडिल में धागा नहीं डालेंगे, जो आपके तीन निडिल में धागे पड़ रहे हैं, अब हम लोग सिर्फ दो निडिल में धागे डालेंगे। दो निडिल में आप धागे दो तरह से डाल सकते हैं, या तो एक इस साइड का हटा दीजिए तो ये थोड़े से पतले पैटर्न होंगे और नीचे लच्छी बनेगी, या आप बीच का हटा दें तो थोड़े से चौड़े पैटर्न होंगे और बीच में लच्छी बनेगी। तो चलिए पहले हम लोग जो है मनोज जी, पहले चौड़ाई वाला ले लेते हैं। चौड़ा वाला तब पे ये हो गया भैया। जी हाँ जी हाँ, ठीक है, ये चौड़ा वाला हो गया। नहीं, मेरा ये मतलब है कि अब की बार हम लोग पहले जरा सा ये बीच में धागा मत डालिए। अच्छा, ये इस तरह से दिखा दीजिए। हाँ जी हाँ, फिर उसके बाद वो चौड़ा रहेगा तो उसको हम लोग पतला पे करके दिखा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वक्त ये तीन धागे पे मशीन चल रही है आपकी, दो निडिल में धागे जा रहे हैं, एक लूपर में धागे जा रहे हैं। अब हम आपको इसका स्टिच पैटर्न दिखाते हैं। पहले ऊपर का दिखा, देखिए ये हुआ फ्रेंड्स। अब आपने क्या किया कि बीच में धागे नहीं डाल रहे हैं। आपको अगर इस तरह के पैटर्न इस्तेमाल करें तो निडिल निकाल दीजिएगा, क्योंकि तो निडिल का छेद आएंगे उस पर। तो आपने ये दोनों निडिल में धागे डाल दिए, एक ब्लैक हो गया, एक रेड हो गया, ये आपके अगल बगल दो निडिल के आ गए, और ये नीचे आप देखेंगे ये लच्छी आ गई। टी शर्ट पे जो इस्तेमाल किए जाती हैं फ्लैट लॉक मशीनें, वो यही पैटर्न इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि
अगल बगल दो निडल चलती है, दो अगल बगल दो निडल में धागे चलेंगे और नीचे लूपर के धागे चलेंगे। पर बहुत जगह आप देखेंगे कि इस तरह के चौड़े की जगह थोड़े पतले पैटर्न होते हैं, जो ऊपर दो निडल चलेंगी पर ये बीच वाले और साइड वाले में धागे डाले जाते हैं, इधर नहीं डाले जाते हैं। तो हम उसको भी आपको दिखाते हैं कैसे पैटर्न बनेगा आपका। उसमें हम लोग जो है आपको ये साइड वाला हटा देंगे, तो सिर्फ दो टो, हाँ एक निकाल दीजिए कोई भी, ठीक है इसी के बगल में ले जाए। निकाल दीजिए, पूरा निकाल दीजिए। ये आपका खूबसूरत लगेगा। अब इसमें क्या होगा आपका कि आपने एक ब्लैक वाले साइड के धागे को निकाल दिया, ये ब्लैक वाला, और हमने ये रेड ले लिया और बीच में ये जो रानी कलर का धागा है ये दोनों निडल में धागे डाल दिए, तो ये थोड़ा पतला जाएगा और थोड़ा खूबसूरत लगेगा। बाकी इसमें आप नीचे ये लूपर का धागा देख रहे हैं, तो ये अभी थ्री थ्रेड पे चल रही है मशीन। तो थ्री थ्रेड में आप थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा में भी लेके चला सकते हैं थ्री थ्रेड में, या थोड़ी चौड़ाई कम लेके चला सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आपके टेलर मास्टर के ऊपर है और वो कपड़े पे क्या सूट करेगा। तो ये अगल बगल दो स्टिच हो गई, बीच में धागा नहीं पड़ा और इसमें साइड का धागा नहीं पड़ा, बाकी ये लूपर का धागे दोनों में नीचे आएंगे। अब आप इसको सिर्फ दो थ्रेड पे अगर चलाएंगे तो पैटर्न कैसा निकलेगा हम लोग ये भी देख लेते हैं। बता दीजिएगा जब जी पतला करना रहेगा तो जिससे सुई का छेदा पड़ रहेगा। जी हाँ जी हाँ, एक सुई यहाँ से खोल के निकल, हाँ वो मैंने बता दिया कि आपको अगर जो भी पैटर्न आप चूज़ कर लेते हैं तो ये निडिल एक्स्ट्रा निडिल हटा दीजिए, नहीं तो ये छेदे आएंगे उसमें, तो एक्स्ट्रा निडिल तो आपको निकालना ज़रूरी है, वो आपके टेलर मास्टर सब जानते हैं, वो लोग कर लेते हैं। ये एक जो लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, जो इन मशीनों को चला रहे हैं मास्टर लोग हैं उनको तो सब मालूम होता ही है। ये जो कभी ये मशीन को नहीं चलाए हैं, लेने का सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आखिर इसमें कैसे कैसे सिलाई निकलेंगी, उनके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए ये आपका सिंगल निडल में धागा जा रहा है और ये नीचे लूपर का धागा आ रहा है। देखिए ये नीचे से चैन स्टिच बनेगा और ये ऊपर से सिंगल निडल ये जा रही है। तो बहुत जगह लोगों को सिंगल भी निडल से मारना रहता है सिलाई, तो चैन स्टिच मशीन में आपकी जो स्टिच निकलेगी वो ऐसी निकलेगी कि ऊपर से लगेगा सिलाई किया हुआ है पर नीचे से जो धागे लगेंगे वो लूपर से धागे आए रहेंगे, इसीलिए ये चैन स्टिच होगी। जबकि आप अम्ब्रेला या हाई स्पीड लॉक स्टिच मशीन लेंगे तो उसमें जैसे टाके ऊपर दिखेंगे वैसे ही टाके नीचे दिखेंगे, क्योंकि वो बॉबिंग केस से नीचे चलती है। जिन भी मशीन में नीचे बॉबिंग केस होगा उसमें टाके जैसे ऊपर आएंगे वैसे ही नीचे आएंगे, क्योंकि वो लॉक स्टिच मशीन होती है। और जो भी मशीनें चैन स्टिच होंगी उसमें टाके सिंगल ऊपर तो आपको दिखेंगे पर नीचे टाके सिंगल नहीं आएंगे बल्कि चैन से बन के आएंगे, क्योंकि ये मशीनें नीचे से लूपर से ऐसे ऐसे लूपर से लच्छी बनाती है। तो ये देखिए इतने स्टिच पैटर्न आपके फ्लैट लॉक मशीनें में निकलते हैं। नीचे हर हाल में आपके लूपर से स्टिच आनी है तो लच्छी बनेंगी, अब तीन सुई से आएंगे तो तीन सुई के पैटर्न आएंगे, फिर यहाँ भी तीन सुई के पैटर्न आएंगे, यहाँ दो सुई के पैटर्न आ गए, यहाँ दो सुई के पैटर्न आ गए, यहाँ सिंगल सुई के पैटर्न आ गए, और ऊपर से आप देखेंगे तो ऊपर से आपको ऐसे नज़र आएगा ये सिंगल निडिल है, ये डबल निडिल है, ये भी डबल निडिल है पर थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ चौड़ाई थोड़ी कम है, और ये ट्रिपल निडिल की स्टिच आ रही है, और यहाँ ट्रिपल निडिल की भी स्टिच आ रही है और ऊपर से लूपर भी चैन बना रहा है, तो इसके स्टिच पैटर्न और अलग आएंगे। जी हाँ, इसके अंदर देखिए ये अपनी हम लोग जो आपको स्टिच पैटर्न दिखा रहे हैं ये इंटरलॉक मशीन के हैं,
बहुत लोग इंटरलॉक और ओवरलॉक में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं। जब ओवरलॉक से यही स्टिच पैटर्न बनेंगे तो ये साइड का बनेगा, ये किनारे। ओवरलॉक जब भी स्टिच मारेगा वो किनारा मारेगा, और जो इंटरलॉक या फ्लैट लॉक होगी वो कपड़े के बीच से आप सिल सकते हैं। तो कपड़े के बीच की सिलाई इंटरलॉक से हो जाएगी, कपड़े का साइड का हिस्सा ब्लेड से जो कटिंग करते हुए फिनिशिंग करते हुए बनता है उसको हम लोग ओवरलॉक स्टिच बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जितना जानकारी दिमाग में आया हमने कोशिश की आपको बता देने की। पांच धागा पांच सिलाई, जी हाँ। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम आए, आपके पसंद आए। आपको ये मशीन लेने की सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो काम आएगा कि पता चले कि आखिर इसमें किस किस तरह के स्टिच पैटर्न निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो अब कंप्लीट कर रहा हूँ। शुक्रिया।